तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होगे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश मैच जीत गई, मतलब जीती नहीं, पूरा माहौल उठा दिया। और ये उम्मीद नहीं की थी भाई, क्योंकि जैसे हम पीट के आए हैं श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीम को, बांग्लादेश ने हमें पीट दिया। खैर बांग्लादेश हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग टीम रही है, मैंने कहा है उसे हमेशा आप इजिली लेते हैं और वही पलटवार करती है। और वो टाइगर की टीम है, हम सबको पता है कि रोर करना जानती है, और कहीं ना कहीं कल रोर कर दिया। पर ये उम्मीद नहीं की थी कि इंडिया के खिलाफ ही कर दो। अच्छा खैर इस मैच को हार के इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क एक चीज का पड़ा कि रोहित शर्मा पहली बार अपनी कप्तानी में एशिया कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट हारे। जी हाँ, और इसका जिम्मेदार कौन है उस पे बात कर लेते हैं। अब मैच शुरू हुई और बांग्लादेश बल्लेबाजी करने आई और इंडिया की शुरुआत अच्छी हुई, हमने स्टार्टिंग में ही विकेट्स निकालने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद आए सकीबुल हसन, जो कि बैकबोन है बांग्लादेश की टीम का। अगर मैं बैटिंग की भी बात करूं, बॉलिंग की भी बात करूं, ऑलराउंडर है और हम सबको पता है वर्ल्ड क्रिकेट में पहले नंबर पे आते हैं एज ए ऑलराउंडर की बात करूं तो। और ये इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं और वो कल प्रूफ करके दिखाया। बहुत ही संयम से बल्लेबाजी की और विकेट्स गिर रहे थे वहां पे, उन्होंने एक तरफ से विकेट को संभाला और उसके बाद उनका साथ देने आए हिरदोए। जहां एक वक्त पे लग रही थी कि बांग्लादेश 150 के आसपास पूरी टीम बिखर जाएगी, वहां इन दोनों के पार्टनरशिप ने चार चांद लगा दिए। और ऐसा पार्टनरशिप नहीं था कि अगर विकेट्स गिर गए हैं तो प्रेशर में खेल रहे हैं, सिंगल निकाल रहे हैं, डबल निकाल रहे हैं या संभल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। फायर, मतलब कहते हैं ना कि कम बॉल और ज्यादा रन के पार्टनरशिप चल रहे थे दोनों के बीच में, और अच्छे खासे टच में लग रहे थे। जहां लूज गेंद मिली छक्के चौके में डील किया। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई इंडिया के सामने वो ये कि उनके स्पिनर्स पे अटैक कर दिए इन्होंने। अक्षर पटेल हो, जडेजा हो, दोनों को आड़े हाथों लिया दोनों ही प्लेयर ने और लूज डिलीवरी को बाउंड्री के पार पहुंचाया और एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड हो गई। और बाद में बची खुची कसर पूरी कर दी नसूम अहमद ने, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बांग्लादेश को एक सम्मानजनक नहीं अच्छे खासे टोटल पे पहुंचा दिया, दो की 265 रन। लेकिन यहां पे एक और चीज पे गौर देने वाली बात है कि हम लोग प्रॉपर 11 प्लेयर खिलाए ही नहीं थे। ना बुमराह था, ना ही हमारे कुलदीप यादव थे, ना ही हमारे सिराज थे जो स्पेशलिस्ट हमारे खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, और उनकी कमर जो तोड़ दी थी। लेकिन बात यहां पे यह है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने पार्ट टाइमर गेंदबाजों के साथ गए हैं। हमने यहां पे भी अपने मेन बॉलर ही कहीं ना कहीं है, समी ठाकुर और अक्षर पटेल जो हमेशा से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत तजुर्बा है, उनके खिलाफ भी इन्होंने अच्छे खासी बल्लेबाजी की। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से 265 रन का टारगेट लगा दिया। अब इसे चेज करना था और वहां पर विराट कोहली भी नहीं थे बैटिंग ऑर्डर में। और यार विराट कोहली नहीं खेलते हैं ना तो कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर हमारी कमजोर लगती है, लगती नहीं हो जाती है यार। क्योंकि कल के मैच में इतना बड़ा 100 बनाया सुमन गिल ने, 120 प्लस स्कोर कर दिए, उसके बावजूद भी इंडिया हार गई वो मैच, तो आप समझ सकते हो कि कितनी कमी महसूस की होगी विराट कोहली की। क्योंकि एक तरफ से सुमन गिल खेल रहे थे, दूसरी तरफ से विकेट्स गिरते ही जा रहे थे, रोहित शर्मा का तो कल खाता ही नहीं खुला। और इसके जिम्मेदार हमारे बैट्समैन तो है ही, साथ साथ पूरा पूरा क्रेडिट जाएगा बांग्लादेशी गेंदबाज को। सही बात। बाकी उनका जो डेब्यूटेंट था जिन्होंने पहला मैच खेला था तंजीम, कमाल के बॉलर निकले और क्या इंप्रेस किया है। रोहित शर्मा को जीरो पे चलता किया और बॉल उनकी वाकई बहुत ही खतरनाक थी। सारे गेंद बहुत प्रॉपर लाइन और लेंथ पे डाल रहे थे और इंडियन बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे उनके आगे, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है इंडियन बैट्समैन का कि नंबर वन बल्लेबाजों में आते हैं और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो समझ सकते हो क्या खतरनाक टैलेंट था। और इतना टाइम क्यों लग गया बांग्लादेश को इनको ढूंढ निकालने में, क्यों नहीं पहले के मैचेस में खिलाए, कहीं ना कहीं ये सवाल खुद से पूछ रहे होंगे। लेकिन एट द एंड एशिया कप में जीत के साथ वो गए हैं तो थोड़े तो खुश होंगे, और भी इंडिया जैसी टीम को बीट कर दिया तो प्राउड भी फील हो रहा होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं इंडियन बल्लेबाजों पे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतने कम टोटल को भी चेज नहीं कर पाए, जबकि इतनी अच्छी बैटिंग ऑर्डर थी। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, रोहित शर्मा, सुमन गिल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मतलब पूरे बल्लेबाजों की टोली पड़ी हुई थी। साथ के साथ लास्ट में आपके शरदुल ठाकुर भी एक थोड़ा बहुत फ्लेवर दे देते हैं अच्छे खासे बल्लेबाज के। उसके बावजूद भी हम ये मैच हार गए। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि हमारी बैटिंग ऑर्डर या प्रिपरेशन में अभी भी कमी है और वर्ल्ड कप आने वाला है। हाँ, इस मैच को हार के हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम पहले ही फाइनल में पहुंच चुके थे और श्रीलंका के खिलाफ मैच है हमारा। लेकिन फिर भी अगर विराट कोहली नहीं खेलते तो क्या इतना फर्क पड़ जाता है? बाकी यार विराट कोहली को तुमने रेस्ट करवाना है, इससे बड़ा दुख हुआ मुझे
क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी जल्दी उनके शतक का जो नंबर है वो बढ़ता रहे और 100 शतक का रिकॉर्ड टूटे, पर आपने उन्हें बिठा दिया कि फाइनल में आप रेस्ट कर लीजिए। भाई रेस्ट मत करवाओ, एक दो बांग्लादेश के खिलाफ भी खिला दो यार, क्या पता एक आध शतक और ठोक दें और मुझे यकीन था कल के मैच में आता। बात तो सही है। बाकी कल इंडिया के हार से ज्यादा चर्चा विराट कोहली के वो ड्रिंक्स वाले पिक पे है, वो वीडियो पे है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है और चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं कि किंग कोहली, जो आजकल के लोग दो चार मैचेस या फिर नॉर्मल भी एग्जांपल देता हूं कि कुछ अचीव करने के बाद औकात भूल जाते हैं, चीजें नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये चीज मैं करूंगा, उन सब के मुंह पे एक जोरदार तमाचा दिया है विराट कोहली ने अपने उस एक्शन से, और उस एक क्लिप ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। बांग्लादेश के जीत, इंडिया के हार, इन सबसे बड़े चर्चे का विषय रहा विराट कोहली का ड्रिंक्स लेके जाना, हर जगह छाए रहे। और कहते हैं ना कि तुम्हारे जीत या तुम्हारे हार से ज्यादा चर्चे मेरे होंगे, वैसा ही कुछ हो गया, जलवा है हमारा। तो यार विराट कोहली सच में ब्रांड है और जो उनकी ऐसी चीजें है ना, यही तो दिल जीत जाती है। तो इससे हर किसी को सीखने की जरूरत है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका जो नेचर और उसका बिहेवियर होता है ना, वही दूसरे लोगों को दिल में जगह बनाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बाकी कल एशिया कप का फाइनल है जिसका हम सबको इंतजार था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो आपको मैच से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए हो तो मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो राहुल राजपूत 30, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पिन कमेंट में भी, वहां से भी जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।